एंड दैट इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर बात करें तो इनकम फ्रॉम सैलरी के कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वैसे तो मैंने सैलरी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी लेकिन आज के सेशन में हम देखने वाले हैं डिडक्शंस के ऊपर तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिडक्शंस द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 तो हम देखेंगे कि डिडक्शंस अंडर सेक्शन जो 16 है उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का अगर बेसिक चीज पड़े तो इनकम फ्रॉम सैलरी होता क्या है uh, जब कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है और उस बेसिस पे कभी कोई पैसे अर्न होते हैं तो दैट इज बीन कॉल्ड एज दैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत सारी चीजें आती है टोटल इसमें तीन सेक्शन कवर होते हैं सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन सिक्सटीन एंड सेक्शन सेवनटीन सेक्शन 15 की अगर बात करें तो दैट इज बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 16 की बात करें तो दैट इज डिडक्शन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड सेक्शन 17 की अगर बात करें तो 17 में आ, आपके 17 वन और 17 टू ऐसे दो पॉइंट्स आते हैं एक होता है परक्विजिट्स और एक होता है प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी तो अगर हम डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन में total तीन deductions आते हैं well तो कैसे डिडक्शन किसको एप्लीकेबल है वो सारी चीजें स्क्रीन पे समझेंगे तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ध्यान से समझते हैं एक्जैक्टली कि कौन से कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं लिमिट के साथ और ये पॉइंट आपको अंडर सेक्शन सिक्सटीन में कवर करने हैं तो चलते हैं स्क्रीन पे सो so, अगर हम डिडक्शन्स की बात करें तो लेट मी हैव द पॉइंट ओवर हियर कि अगर हम सैलरी चैप्टर की बात करें तो सैलरी चैप्टर में फ़िलहाल आज के सेशन में हम डिडक्शन्स को डिस्कस करेंगे बाकी के तो वीडियोस आपको ऑलरेडी मैंने चैनल पे बना दिए हैं टैक्सेशन का एक प्ले रहेगा वो प्ले आप चेक कर सकते हैं तो डिडक्शन्स अंडर सेक्शन सिक्सटीन अब ध्यान से समझना डिडक्शंस अंडर सेक्शन सिक्सटीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वी विल बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ओवर हीयर एक हमारा होएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक हमारा होगा प्राइवेट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों के लिए डिडक्शन समझते हैं एक्जैक्टली exactly कि, कि किस तरीके से पॉइंट्स आएंगे तो ध्यान से समझना इट्स वेरी सिम्पल बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक्जैक्टली exactly गवर्नमेंट को कौन सा डिडक्शन मिलेगा और प्राइवेट को कौन सा डिडक्शन मिलेगा तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला जो डिडक्शन मिलेगा दैट इज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन ठीक है सबके रूल्स लिखता हूँ ध्यान से समझना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो सेक्शन है अंडर सेक्शन सिक्सटीन वन के बेसिस पे दिया जाता है इसके लिए आपको याद रखना है इसके लिए रूल क्या है इसके लिए रूल है अगर ग्रॉस सैलरी जो है पहले रूल लिखता हूँ ग्रॉस सैलरी और रूपीज फिफ्टी थाउजेंड क्या है रूल ग्रॉस सैलरी और रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज़ लेस मतलब ग्रॉस सैलरी की अमाउंट हमको देखनी है जब हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं एंड फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट डिसाइड की है गवर्नमेंट ने तो इन दोनों में से जो भी स्मॉलेस्ट अमाउंट रहेगा उसी का आपको डिडक्शन क्या होगा उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा सिंपल रूल है अगर एक प्राइवेट एम्प्लॉय रहेगा तो प्राइवेट एम्प्लॉय को भी यही डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का ठीक है सेम डिडक्शन मिलने वाला है प्राइवेट एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन सिक्सटीन वन ठीक है अंडर सेक्शन सिक्सटीन वन तो सिक्सटीन वन के बेसिस पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो डिडक्शन है वो दोनों लोगों को मिलेगा इसमें भी सेम है कंसेप्ट ग्रॉस सैलरी और रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड का रूल आपको याद रखना है तो ये था हमारा पहला पॉइंट दैट वी हैव कंप्लीटेड अभी हम दूसरे पॉइंट में जाते हैं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ध्यान रखना इसमें कन्फ्यूजन होता है सेकेंड जो हमारा डिडक्शन होता है दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस ठीक है कौन सा डिडक्शन है सेकेंड एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन सिक्सटीन रोमन टू ठीक है सिक्सटीन टू अभी सिंपल है ध्यान रखना बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है दिस डिडक्शन जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ठीक है ये सिर्फ किसको मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही ये डिडक्शन मिलेगा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है ये प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगा तो प्राइवेट एम्प्लॉय से तो मैंने पॉइंट कट कर लिया अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैसे मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैसे मिलेगा नंबर वन पहला रूल है फर्स्ट रूल है काफी इंपॉर्टेंट पहला रूल क्या है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव ठीक है ये तीन रूल याद रखना है आपको एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, फिर रूल नंबर टू है वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी क्या है रूल नंबर टू वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी और रूल नंबर थ्री है मैक्सिमम लिमिट ठीक है मैक्सिमम लिमिट कितनी है मैक्सिमम लिमिट है फाइव थाउजेंड अब आपको करना क्या है बहुत ही सिंपल रूल है आपको करना क्या है ये तीन रूल लिखने के बाद आपको करना यही है कि इन तीनों में से जो भी छोटा अमाउंट है पीछे एवर इज़ लेस डिडक्टेड इनमें से जो स्मॉलेस्ट अमाउंट रहेगा वो आपका क्या होगा वो आपका डिडक्शन मिलेगा लेकिन अगेन आई रिपीट ध्यान रखना है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है प्राइवेट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता है दैट यू हैव टू रिमेम्बर एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक होता है ठीक है अगर हम हमारे आखिरी डिडक्शन की बात करें नंबर थर्ड जो हमारा आखिरी डिडक्शन है वो है हमारा प्रोफेशन टैक्स ठीक है प्रोफेशन टैक्स अंडर सेक्शन सिक्सटीन थ्री ठीक है नॉर्मली टू हंड्रेड पर मंथ मतलब दो हज़ार पाँच सौ के आसपास ये प्रोफेशन टैक्स कटता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलेगा इसका डिडक्शन और प्राइवेट एम्प्लॉय को भी इसका डिडक्शन मिलेगा प्रोफेशन टैक्स अंडर सेक्शन सिक्सटीन थ्री तो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों को ये डिडक्शन मिलने वाले हैं जो आपको ध्यान रखना है तो दोनों को ये डिडक्शन मिलेंगे किसको मिलेंगे प्राइवेट एम्प्लॉय को भी मिलेगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ये डिडक्शन मिल जाएगा सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव स्टडीड तो आपको अगर डिडक्शंस के बेसिस पे ध्यान रखें अगर डिडक्शंस के बेसिस पे पॉइंट्स देखें तो मैंने आपको क्या बताया देखो डिडक्शंस में क्या होता है अगर हम डिडक्शंस की बात करें अंडर सेक्शन 16 तो टोटल तीन डिडक्शंस है तीन uh, डिडक्शंस में से सबसे पहला डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलेगा प्राइवेट एम्प्लॉय को भी मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या कंडीशन है ग्रॉस सैलरी और रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड इज लेस सिमिलरली फॉर प्राइवेट ग्रॉस सैलरी और रुपीज़ फ़िफ्टी थाउजेंड इज़ लेस सेकेंड डिडक्शन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन इज गिवन ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज नॉट गिवन टू प्राइवेट एम्प्लॉयज एंड एंटरटेनमेंट का रूल क्या है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी या मैक्सिमम लिमिट रुपीज़ फाइव थाउजेंड ये तीनों में से विच एवर इज लेस वो आपको डिडक्शन मिलेगा लेकिन ध्यान रखना है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए प्राइवेट एम्प्लॉय रहेगा तो एंटरटेनमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोफेशन टैक्स प्रोफेशन टैक्स अंडर सेक्शन सिक्सटीन थ्री ये हर एक के सैलरी में से कटता है इसलिए प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए इसका डिडक्शन मिलेगा आई होप दिस डिडक्शन्स पार्ट अंडर सेक्शन सिक्सटीन इज क्लियर टू यू तो दीज आर द रिविजन्स पार रिलेटेड टू योअर सेक्शंस तो ये सेक्शंस आपके इसमें से रिविजन हो जाएंगे बाकी मैंने सैलरी के बहुत सारे टॉपिक्स डाले हैं ऑलरेडी तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके टैक्सेशन का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है उसमें ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे अगर आप पहली बार चैनल पर आओ तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे रिविजन के बेसिस पे मिलते रहेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर